आज शीत सत्र 2023 का आखिरी दिन है। पूरे 10 दिन चले इस शीत सत्र में किसान, बेरोजगारी, ड्रग्स और आतंकवाद जैसे कई मुद्दों को लेकर विपक्षियों ने सत्ता पक्ष को घेरा था। आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई घोषणाएं करेंगे। कई मुद्दों पर सीएम, डीसीएम आज बात करेंगे। शीत सत्र का आज का आखिरी दिन है और आखिरी दिन से पहले जो है पहला दिन था, मतलब नौवां दिन जो था उस दिन जो है जो विपक्ष है, विपक्षियों ने जो है सभा का त्याग किया था, विधानसभा हो या विधान परिषद हो। और मराठा आरक्षण को लेकर यह सभा त्याग था क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया था उसमें कहीं भी ठोस ऐसा निर्णय या फैसला नहीं लिया गया था मुख्यमंत्री की ओर से। और बताया गया था कि फरवरी महीने में जो है विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा और इस अधिवेशन में जो है मराठा आरक्षण की दिशा जो है तय की जाएगी या मराठा आरक्षण का निर्णय जो है लिया जाएगा। आज जो है सभी मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जो है आज जवाब देंगे, साथ ही साथ कौन सी घोषणाएं आज वो करते हैं इस पर भी सभी का ध्यान लगा है। और मुख्य बात यह है कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, इन्होंने सदन में गुनाहगारी का मुद्दा जो है पेश किया था और उस पर बोलने के लिए या जवाब देने के लिए दोनों उप मुख्यमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे, जिसमें से एक उप मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, ये राज्य के गृह मंत्री भी है और नागपुर शहर का भी इसमें गुनाहगारी का मुद्दा नाना पटोले ने उठाया है। हो सकता है आज इस पर जो है देवेंद्र फडणवीस जवाब देंगे और सभी जो है मुद्दे, जो है किसान का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, विपक्ष द्वारा जो उठाया जा रहा है, आज जो है उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री इस पर चर्चा करेंगे या इस पर जवाब देंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।